नमस्कार प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ कि किस समय आपको क्रॉस लेग करनी चाहिए, क्रॉस लेग नहीं करनी चाहिए किस समय। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, क्रॉस लेग वैसे तो एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन कई जगह इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। जिस समय आपको लगता है कि कोई आप पर नज़र लगा सकता है, तो उस समय आप क्रॉस लेग कर सकते हैं। जिस समय कोई अपशब्द बोलता है, जिस समय आपको लगता है कि किसी की काली जुबान है और वो कुछ गलत शब्द आपको बोल सकता है या सकती है, तो उस समय आपको क्रॉस लेग कर लेना चाहिए। जिस समय आप ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कुछ नकारात्मकता है, वहां भी आप क्रॉस लेग करके खड़े हो सकते हैं या बैठे रह सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रॉस लेग करके बहुत सी नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन जब आप किसी साधु संन्यासी, जो कि बहुत योग्य विद्वान है, महात्मा है, सही मायने में जिसको महात्मा बोलते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो हैं, या कोई माता जी हैं जो कि आध्यात्मिक हैं, महिला हैं, मंदिर मतलब कोई भी धार्मिक स्थल जहाँ आप जाते हैं, या बड़े बुज़ुर्ग, आपके इन लॉज, रिश्तेदार जो कि बुज़ुर्ग हैं, जो आपको आशीर्वाद देने का भाव रखते हैं, ऐसे स्थान और मनुष्यों के सामने कभी भी क्रॉस लेग नहीं करनी चाहिए।